नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ, जहां पर वोट के बदले नोट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। 7 जजों की बेंच ने 1998 के फैसले को पलट दिया है। किसी भी रिश्वत लेने का विशेष अधिकार किसी को भी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 105 का भी हवाला दिया और कहा कि पिछले फैसले से सहमत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने अपने ऐतिहासिक उसको काट दो, डिलीट करो। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला आया है। वोट के बदले नोट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले को पलटा है। क्या है, अब किसी भी विधायक को या किसी भी सांसद को पैसा लेके पार्लियामेंट में कुछ भी करने पे कोई इम्यूनिटी नहीं होगी। उसको नॉर्मल जैसे एक क्रिमिनल के खिलाफ केस चलता है, एक भ्रष्टाचारी खिलाफ केस चलता है, वो भ्रष्टाचारी के खिलाफ केस चलेगा। और आज स्पष्ट कर दिया है, अब किसी भी विधायक को या किसी भी सांसद को पैसा लेके पार्लियामेंट में कुछ भी करने पे कोई इम्यूनिटी नहीं होगी। उसको नॉर्मल जैसे एक क्रिमिनल के खिलाफ केस चलता है, एक भ्रष्टाचारी खिलाफ केस चलता है, वो भ्रष्टाचारी के खिलाफ केस चलेगा। अवनीश चौधरी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। देखिए अवनीश, ये बेहद बड़ा फैसला, जहां पर अब माननीयों को पैसे देकर मुकदमे में राहत नहीं मिलने वाली है। जी रोमिता, बिल्कुल बहुत ऐतिहासिक फैसला है और इस फैसले ने वो सारे भरम दूर कर दिए हैं जिसका फायदा अक्सर ये नेतागण लेते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि जो आर्टिकल 105 के तहत जो विशेषाधिकार है, जो आपको कानूनी कार्रवाई से बचाता है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप रिश्वत लेकर संसद में भाषण दे सकते हैं या वोट दे सकते हैं। ये विशेषाधिकार कुछ खास परिस्थितियों में दिया गया था, लेकिन इसमें अगर रिश्वत ली जाती है, भ्रष्टाचार किया जाता है, तो आपको इस प्रिविलेज का लाभ नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से साफ हो गया है कि अब सांसद हों या विधायक हों, वो इस विशेषाधिकार का उपयोग तब तक नहीं कर सकते अगर रिश्वत का मामला सामने आता है कि उन्होंने कोई भी भाषण देने के लिए या अविश्वास प्रस्ताव या किसी भी मसले पर संसद या विधानसभा में वोटिंग देने के लिए अगर उन्होंने किसी तरह की रिश्वत ली है, तो उन्हें ये विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले में स्पष्ट हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ने 25 साल बाद अपने ही फैसले को पलट दिया है। बहुत शुक्रिया। इससे पहले 5 जजों की तमाम जानकारी के लिए।